नमस्कार, इस समय हम सेक्टर 21 में पहुंचे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सेक्टर 21 के वासी हैं और जो हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन है सेक्टर 21 की, उसके भी सदस्य हैं। तो आपको बता दें कि सेक्टर 21 पास इलाका बोला जाता है और अगर मैं रेटों की बात करूं तो आम आदमी यहाँ रहते नहीं, तो जो भी लोग यहाँ रहते हैं, जो वासी यहाँ रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि सेक्टरों में सभी तरह की सुख सुविधाएं उनको यहाँ मिलेंगी। लेकिन क्या कुछ सेक्टर 21 की वास्तविक स्थिति है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं समस्या का सामना है इन सेक्टर 21 वासियों को करना पड़ रहा है, तो आइए बातचीत कर लेते हैं सेक्टर 21 में क्या कुछ समस्याएं हैं, जिस तरह इन्होंने सोचकर सेक्टर 21 में मकान बनाए थे उस तरह की सुविधाएं इनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो आइए, बलवान जी हैं जो सेक्टर 21 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मेन समस्या ऐसा है, पिछले 2 साल से हम सभी सेक्टर वासी प्रयासरत थे जो हमारी मूलभूत जरूरत है उनको पूरा करें। हमारे सेक्टर को कटे 2010 में कटिया था, 15 साल के लगभग हो गए। आज तक यहाँ पर जो भी कमी है ना, सभी कमी है, सुविधा तो हमें एक भी नहीं मिली। अच्छा। चाहे ग्रीन बेल्ट है, आप ग्रीन बेल्ट देखो हमारी, ये इसका ग्रीन बेल्ट है, ये सारा शहर की पशु चरागाह बनी हुई है, सारा शहर के पशु इसके अंदर आते हैं, कोई चार दीवारी नहीं है। पौधे लगाते हैं, सरकार कहती है कि टेम्परेचर इतना चला गया, पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ। हम कई साल से पौधे लगाने लग रहे हैं, पशु उन्हें तोड़ देते हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर हम कई बार हमने सेक्टर की मीटिंग की है और उसको लेकर हमने रेजुलेशन डायल का स्टेट ऑफिसर SDM कैथल, DC कैथल, विधायक लोकल लीला राम जी, यहाँ की नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी के पास, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा के पास पंचकुला, और जब हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें राजनीतिक शरण ली, हमने यहाँ पर पिछले साल हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम किया ताकि हमारे सेक्टर की सभी समस्याएं पूरी हो। लेकिन हमारी समस्याओं का हम बार ज्यों का त्यों एक भी समस्या हमारी पूरी नहीं हुई है। सड़कें 15 साल पहले जो बनी थी वो बिल्कुल कच्चा गमा होता है, जो उससे भी बुरी हालत हो गई है। बारिश का सीजन में हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर के अंदर नहीं जा सकते, हम ऐसी हालात है। बरसात का पानी की निकासी का हमारा कोई प्रबंध नहीं है, सारा शहर के पशु हमारे सेक्टर के अंदर आते हैं, सभी की गाड़ी तोड़ देते हैं, और कोई मार्केट हमारी यहाँ नहीं काटी गई है, और कम्युनिटी सेंटर की हमने बार बार डिमांड रखी है, हमारे 500 से ऊपर मकान है, सारा सेक्टर डेवलप हो चुका है, कोई कॉमन जगह हमारे लिए वो नहीं है कि हमारा कॉमन प्रोग्राम हो, कोई घरेलू फंक्शन हो वो करें। और जितनी भी हमारी समस्या है और साथी भी बताएंगे, हम बार बार ये मांगे रख चुके हैं, प्रशासन पता नहीं कौन सी नींद सोए हुए है, एक भी आदमी से हमें ये आश्वासन नहीं मिल रहा कि हम बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। जो हम मांग पत्र देते हैं वो लेकर रख लेते हैं, वो पता नहीं उसके बाद कहाँ चला जाता है। हमारा चूल्हा टैक्स भी हम बढ़ने लग रहे हैं और कमेटी के अंदर, जबकि हमारा ये वार्ड 5 पड़ता है, हम कमेटी के पास जाते हैं, शहर के नगर परिषद चेयरपर्सन के पास जाते हैं, उन EO से हम मिले, जो कैथल कमेटी का EO है उससे भी मिले, उसने कहा कि भाई आपका सेक्टर है जो हमारे अंडर नहीं है, हुड्डा के अंदर है। लेकिन हम जब हम चूल्हा टैक्स भी देने लग रहे हैं, यहाँ पर जो टैक्स है शहर के वो देते हैं, और वार्ड 5 के वासी है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार प्रशासन कर रहा है, हमारे को इस बात से हमें इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है जी, जिंदल साहब आप बताइए। जैसे बलवान जी ने बताया, समस्या तो यूं की यूं है, बनी हुई है हमारे यहाँ। जैसे हम यहाँ आए थे, अब जो मेन समस्याएं, जो मैं एक दो और समस्या का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर, एक तो जितनी भी महिलाएं बच्चे, सरकार कहती है भी हिंदू धर्म है, मंदिर का सिस्टम है, इतने बड़े सेक्टर के अंदर एक भी मंदिर नहीं है जी। मंदिर की जगह यहाँ पर नहीं दी गई, और मंदिर के बिना अब डेली सुबह जो लोग पूजा करते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ पर चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या लेडीज हैं, महिलाएं हैं, तो एक तो मंदिर हमारा यहाँ होना चाहिए। दूसरा क्या, कम्युनिटी सेंटर की जैसे बलवान जी ने बात की, हम अपना प्रोग्राम कहाँ करें, पार्क जो है उनके अंदर पेड़ पौधे नहीं है, रखरखाव नहीं है, ग्रीन बेल्ट टूटी हुई है, तो इसकी वजह से हम कोई प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। सड़कों का ये हाल है कि आए दिन लेडीज हैं, बच्चे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल गिरते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं, और बारिश के दिन आगे तो तालाब बनेंगे और वहां से सांप घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ पर सीवरेज जो है चौक होते रहते हैं, इस तरफ भी कोई भी ध्यान नहीं है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके लिए
हमें लगता है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जहां सरकार ये कह रही है कि हरित क्रांति के हम जोर दे रहे हैं, टेम्परेचर कम करो, पौधे जितनी भी सड़कें हैं, सड़कें के आप दोनों तरफ आप देखेंगे कोई पेड़ पौधा नहीं है। अगर कभी कभार कोई लगा दिया जाता है तो ये पशु इतने आते हैं वो आकर पेड़ पौधे तोड़ते हैं, सबसे पहले गाड़ियां बाहर खड़ी होती है उनको तोड़ते हैं, और फिर जो मीटर लगाए गए हैं बाहर खंभों पे उनको तोड़ के चले जाते हैं, और उसमें कसूर भी हमारा ही निकलता है कि मीटर आपने क्यों नहीं ठीक करवाया। मैं सिकंदर गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल कैथल। मैं सीएम साहब नायब सैनी से ये पूछना चाहता हूँ, ये 2010 में ये सेक्टर हमारा कटे, आज सैनी साहब जो है नी हमारे सीएम बन चुके हैं, और मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी हम काफी बार इसकी रिक्वेस्ट रख चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी का हमने यहाँ प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने भी ये देखा था। हम चाहते हैं डीसी साहब खुद आके हमारे सेक्टर की प्लानिंग देखें कि ये गांव से भी बदतर हमारी जिंदगी है, यहाँ हम गांव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पशु हमारे सारे बगीचों को पाड़ के उखेड़ के चला जाता है, हम कोई पौधा पौधा नहीं लगाया। 2010 में गवर्नमेंट ने यह वादा करके यह सेक्टर काटा था कि हम इस सेक्टर को नंबर वन कैथल बनाएंगे, यह नंबर वन कैथल है। 145 फुट का ये रोड है आज, जिसके ऊपर एक सिमटी हुई सड़क है। ये पार्क आप देखिए, ये सारा पार्क आप देख ही रहे हैं, आज 14 साल में भी इस पार्क की डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या जिंदगी है इन लोगों की, ये रो रो के थक चुके हैं। मतलब सबसे महंगा सेक्टर भी, सबसे महंगा पॉश सेक्टर है। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मौके पे आके हमारे सेक्टर का दौरा करें। ठीक है डीसी साहब, एसडीएम साहब जो है ना, वो हमारी कोई सुनाई नहीं है, हमारी एसोसिएशन जा जाके थक चुकी है, ये हमारे प्रधान जी बलवान जी और सारी एसोसिएशन को कम से कम 100 चक्कर काट लिए, कोई भी सुनाई नहीं किसी प्रकार की। उड्डा के ऑफिस में जाते हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही, कोई आईडी ठीक नहीं, हमारे सारे प्रशासन ने हमारा सारा रहना दूबर कर रखा है इस सेक्टर में। जिस सोच के साथ आपने अभी सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी सेक्टर में, उस सोच के साथ मकान बनाया था, वो कुछ भी नहीं। सुविधाएं क्या, हम ये कह रहे थे कि भाई ये सेक्टर, इसमें शहर के सबसे अमीर लोग रहते हैं, जो जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे ही है, उनकी सुविधाएं आप चेक करें, ये सुविधाएं हैं, एक से एक पढ़ा लिखा इसमें है। इसमें जजेस जैसे लोग, एसडीएम के रिश्तेदार, सारी पॉलिटिशियन यहाँ रहती है, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं, आम आदमी की क्या सुनाई होगी। नायब जो सैनी साहब हमारे सीएम बने हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक डीसी साहब से एक पिक्चर दिखाई जाए, हमारे रहने की जीवन शैली देखी जाए, हमारे बच्चे कहाँ खेलें, किस पार्क में हम सैर करें, कहाँ हम जाएं, ये सारी हमारी एसोसिएशन जा जाके थक चुकी है। ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो रात को यहाँ डंगरों के जो सांड आ गए, कभी गौएं घूम रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है, ये पॉश इलाका है। अब तो सीएम साहब ने आज से 2 घंटे जो जनता की शिकायत अधिकारी सुनेंगे, डीसी एसपी या जो एसडीएम लेवल के अधिकारी, बिल्कुल ये बात ठीक है, सीएम साहब ने बोल लिया सुनेंगे भी, पर कार्रवाई कुछ नहीं होनी। हमारे सेक्टर में कोई नहीं आया आज तक, क्या 14 साल में कितने डीसी होंगे, कितने डीसी शहर में आए हैं, कितने एसडीएम साहब आए हैं, कितने स्टेट ऑफिसर आए हैं, क्या आज तक हमारी, आप देखिए इन किकरों को, ये किकर भी काटने का टाइम नहीं है हमारे साथ, हमारी प्लानिंग देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कितनी डेवलपमेंट चार्जिंग हम दे रहे हैं, हम नगर पालिका को पैसे भर रहे हैं, हम सारे टैक्सीज पे कर रहे हैं, फिर भी हमारी सुविधाएं देखिए, ये सारे पशु यहाँ, इसके अंदर पशु लगाए जाते हैं, चुहेरी की अगर आप आके देखिए तो यहाँ पशुपालन है, ये पार्क नहीं है, ये पौष इलाका कैसे मान लिया जाएगा। ये प्रधान जी बलवान जी इनके 100 बार वहां जा चुके हैं, हमारी एसोसिएशन जा चुकी है, क्यों सुनाई नहीं हो रही हमारी, क्या सारा कैथल सारा सेक्टर इतना टाइम निकाल ले कि वो डीसी साहब के कोठी में बैठ जाए जाके, क्या करें हम, आने वाले टाइम में बारिश आने की उम्मीद है, कोई नाला साफ नहीं है, कोई वाटर हमें साफ नहीं मिल रहा, सब गंदगी भरी चीजें मिल रही है, इसको हम 5 सेक्टर 21 बोल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि वो प्लीज इस कैथल ब्रेकिंग टीवी से हमारी आवाज सुन के, क्या एक बार भी आपके पास 10 मिनट नहीं है, क्या हम कैथल के नागरिक नहीं है, क्या आप हमारे ऑफिसर नहीं है, आप प्लीज सारे प्रशासन को एक बार इसका दौरा कराएं, मेरी ये रिक्वेस्ट है। देखें सैनी साहब, अगर आप मेरी इस आवाज को वहां तक पहुंचती है, आप भी कैथल के अंदर आते हैं, सिर्फ एक चक्कर इस सेक्टर के अंदर से आपकी गाड़ियां तो लेके जाएं, देखें कि क्या सेक्टर है ये, 21 सिटी है या गांव है।